हे गाइस, मैं हूँ दिव्या एंड वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मस्त हो, मजे में हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ हो। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। और सर, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ कुर्ता सेट मंगवाया है। तो मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने फर्स्ट टाइम कुर्ता सेट मंगवाया है एंड मेरा एक्सपीरियंस ओके रहा। सो अगर कुर्ता सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको आज का हॉल वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट फर्दर एंड डिले, लेट्स जंप टू द वीडियो। सो गाइस, दिस वन इज व्हाइट कलर का कुर्ता सेट। तो मैं पहले आपको इसका डिटेल पढ़कर बताती हूँ। एंड दिस वन इज फ्रॉम फैंसिया ब्रांड। तो डिटेल है वोमेन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट विस्कोस रेयन। तो इसका एमआरपी दिया हुआ है 1999 एंड अभी इसमें 65% ऑफ है, तो आपको पड़ेगा 699। एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था बट मुझे इसका एम साइज मिला, जो एंड इसमें स्मॉल का बस्ट साइज 34 था एंड एम का 36 था। बट एम का फिटिंग मुझे ठीक ही आया, बट मैंने जो ऑर्डर किया था साइज वो मुझे नहीं रिसीव हुआ। फैब्रिक इसका विस्कोस रेयन है एंड डिटेल में इसमें दिया हुआ है विथ स्कर्ट, बट ये विथ पैंट्स आएगा। तो इस तरह का ये ऑफ वाइट कलर में कुर्ता है। कुर्ता सेट बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत प्यारा है इसका। तो यहाँ पे आपका ये राउंड वी नेक है इस तरह का, 3/4 स्लिप्स है एंड स्लिप्स में ये गोटा का डिटेलिंग है एंड पूरा प्रिंटेड कुर्ता है ये। साइड स्लिट है कुर्ता में एंड यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी दिया हुआ है टाइप करने के लिए। बैक साइड भी इसका सेम प्रिंट्स आएगा एकदम। कुर्ता का लेंथ नी लेंथ है एंड यहाँ पे ये प्लीटेड्स बना हुआ है कुर्ता में, फ्लेयर है में। नाउ कम टू पैंट। तो पैंट इसका एंकल लेंथ पैंट है, पूरा प्रिंटेड पैंट है, फुल्ली इलास्टिकेटेड है पैंट। एंड पैंट में नीचे साइड कट भी है एंड फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है। गर्मी के हिसाब से मटेरियल सूदिंग है एंड प्राइस वाइज भी मुझे अच्छा लगा ये कुर्ता सेट। पहना हुआ भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। आप इसे डेली वेयर में पहन सकते हो या स्कूल या कॉलेजेस के लिए भी ले सकते हो इस तरह का कुर्ता सेट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज दिस टील ग्रीन कलर का कुर्ता सेट। तो बेसिकली ये कुर्ता एंड स्कर्ट सेट है। तो मैं पहले आपको इसका डिटेल पढ़ के बताती हूँ। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम फैंसिया ब्रांड्स। तो डिटेल है इसका वोमेन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट विस्कोस रेयन एंड द एमआरपी वाज 1999 एंड अभी इसमें भी 65% ऑफ है, तो आपको पड़ेगा 699। एंड मैंने इसका भी स्मॉल साइज ऑर्डर किया था बट मुझे इसका एम साइज रिसीव हुआ। तो मेरा ये कुर्ती और वो कुर्ती दोनों ही सेम ब्रांड्स का था एंड दोनों का ही मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था बट मुझे एम साइज रिसीव हुआ। मुझे लगता है कि इनका स्टॉक्स में स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था, इसलिए इन्होंने मुझे एम साइज भेजा, बिकॉज इनका साइज चार्ट में भी स्मॉल साइज नहीं दिखा रहा है। तो ये स्ट्रेट फिट कुर्ती है, टील ग्रीन कलर में। राउंड नेक है इसका, वी कट है फ्रंट में, सॉलिड कलर में कुर्ती है। फुल स्लीव्स है इसका, स्लीव्स में चूड़ीदार स्लीव्स है आपका, यहाँ पे चूड़ी बनेगा। मुझे इसका स्लीव्स लूज आ रहा था तो इसलिए चूड़ी नहीं बना। एंड बैक साइड भी सेम सॉलिड कलर में ही आएगा, साइड स्लिट है कुर्ती में। कुर्ती का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। नाउ कम टू स्कर्ट। तो स्कर्ट भी इसका सॉलिड टील ग्रीन कलर में आएगा, फुल्ली इलास्टिकेटेड स्कर्ट है। स्कर्ट का लेंथ फुल लेंथ है, बैक एंड फ्रंट साइड सॉलिड कलर में स्कर्ट आएगा। तो ये कुर्ती ऐसे पहना हुआ अच्छा लग रहा था बट मुझे थोड़ा लूज था एंड नेकलाइन डीप था। तो इसके ऊपर आप चोकर्स पहन सकते हो, कुछ ऑक्सीडाइज या कुछ लंबा नेक पीस हो तो आप वो भी पहन सकते हो, तो वो भी अच्छा लगेगा। और इस तरह का कुर्ती आप फैमिली गेट टुगेदर में या किसी घर में हाउस फंक्शन हो या कुछ पूजा पाठ हो तो उसमें पहन सकते हो। एंड कलर मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। तो कुर्ती का फैब्रिक इन ऑल देखा जाए तो अच्छा है, बस साइज मुझे समझ में नहीं है। मैंने कुछ और ऑर्डर किया, मुझे रिसीव कुछ और हुआ। अदरवाइज कुर्ती का फिटिंग विटिंग अगर सेम साइज़ का मिलता तो बहुत प्यारा लगता पहना हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट। दिस वन इज़ ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। तो ये भी एक स्कर्ट एंड कुर्ता सेट है। तो मैं पहले इसका आपको डिटेल पढ़कर बताती हूँ। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम सोडिंग हाई। तो डिटेल ही इसका वोमेन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट विस्कोस रेयन। तो इसका एमआरपी था 2499 एंड अभी इसमें 72% ऑफ है, तो आपको पड़ेगा 699।
एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था एंड मुझे रिसीव भी स्मॉल साइज हुआ बिकॉज ये ब्रांड अलग है एंड द फैब्रिक इज विस्कोस रेयन। तो ये ब्लैक कलर का प्रिंटेड कुर्ता है, राउंड नेक है इसका एंड यहाँ पे इस तरह का कट है, आप स्कर्ट पहनोगे तो यहाँ नजर आएगा और यहाँ पे कट में पूरा टेसल्स का डिटेलिंग किया हुआ है। हाईलो कुर्ता है ये, फुल स्लीव्स है इसका एंड स्लीव्स के नीचे में आपका रफल्स डिजाइन है एंड बैक साइड भी सेम प्रिंट आएगा। तो ये कुर्ता पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। नाउ कम टू स्कर्ट, तो इसका स्कर्ट न्यूड पिंक कलर में स्कर्ट है, पूरा लेयर स्कर्ट है इसका, फुल्ली इलास्टिकेटेड स्कर्ट है। स्कर्ट मुझे थोड़ा लूज आ रहा था इसका एंड फुल लेंथ स्कर्ट है। स्कर्ट भी बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ एंड फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है एंड ये एक दुपट्टा के साथ आया था, तो दुपट्टा भी इसका न्यूड पिंक कलर में दुपट्टा है एंड दुपट्टा के एजेस में आपका कुर्ता में जो फैब्रिक था उस फैब्रिक का डिटेलिंग किया हुआ है, साइड में टेसल्स भी लगा हुआ है, बोथ साइड दुपट्टा के एजेस में वही सेम फैब्रिक से पाइपिंग किया हुआ है। तो ये कुर्ती भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है, घर के पूजा पाठ में पहन सकते हो, किसी फैमिली फंक्शंस में गए तो पहन सकते हो एंड प्राइस वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल है बिकॉज इस रेंज में इतना अच्छा कुर्ती नहीं मिलता है, तो मुझे प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा एंड पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस वन इज लास्ट कुर्ती। तो एक्चुअली मैंने ये कुर्ती ऑर्डर नहीं किया था, मैंने ऑर्डर कोई दूसरा कुर्ती किया था उसका मैं डिटेल डाल दूंगी। तो मुझे रिसीव ये कुर्ती हुआ, ये सिर्फ ओनली कुर्ता ही है, इसके साथ ना पैंट्स है ना दुपट्टा है एंड मैंने जो ऑर्डर किया था वो फुल सेट था। तो बेसिकली मैंने 5 कुर्ता सेट ऑर्डर किया था जिसमें से एक कुर्ता सेट ट्रांजिट्स में ही कुछ उसमें डैमेज आ गया था तो वो कैंसिल कर दिया गया और एंड 2 कुर्ता सेट का मुझे साइज गलत रिसीव हुआ एंड 1 कुर्ता सेट जो मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं मिल के मुझे दूसरा कुछ मिला, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट का बहुत ख़राब रहा। तो मैं आपको एक कुर्ता दिखा देती हूँ, एक तो ये मेरे साइज़ का नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कुर्ता है। तो ये इस तरह का प्रिंटेड कुर्ता है, इसका राउंड नेक है एंड नेक पर यहाँ पे बटन्स का डिटेलिंग किया हुआ है, 3/4 स्लिप्स है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, कुर्ता में साइड स्लिट भी है, बैक साइड भी इसका सेम प्रिंट्स आएगा। तो मैंने तो इसे एक बार ट्राई करने के लिए मैंने अपने लास्ट कुर्ता की स्कर्ट के साथ इसको पहन के आपको दिखाया। मैं ये नहीं बोलूंगी कुर्ता का फैब्रिक डिजाइंस अच्छा है, बट मुझे वर्थ नहीं लगता है जिस रेंज का मैंने ऑर्डर किया था उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये कुर्ता है। तो गाइज इतना ही सेट मैंने मंगवाया था, कुछ अच्छा रहा कुछ खराब रहा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना एकदम मत भूलना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।